दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं एक दिन बाद, दो दिन बाद या फिर कभी भी, तो आप उसका एक इवेंट सेट कर सकते हैं कि मतलब कि आपको याद आ जाएगा, आपको मोबाइल जो है अलर्ट दे देगा कि आपको ये काम करना है, इस टाइम करना है। तो आप ये इवेंट कैसे सेट करेंगे सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। आपको लगातार यहाँ पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है अपने फ़ोन के कैलेंडर में। कैलेंडर आपके ऐप रहता है एक मोबाइल में, इस पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मान लीजिए आपको यहाँ पे 8 तारीख में आपको इवेंट सेट करना है, मतलब कि आपको सेट करना है कि आपको वो काम करना है, जो भी काम करना है वो सेट कैसे करेंगे। यहाँ 8 पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर दिखाई देगा आपको एक प्लस का निशान, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको काम के बारे में लिखना है, मतलब जैसे भी जो भी आपका कोई काम है, मान लीजिए आपको कहीं मैरिज में जाना है, शादी में जाना है, तो मैरिज लिख देंगे। मैरिज लिखने के बाद यहाँ पर लोकेशन भी डाल सकते हैं और यहाँ पर देखिए 8 तारीख है, स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, मतलब कि कौन से टाइम, तो 9 बजे की जाना है कि 10 बजे जाना है, आप यहां से अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 11:10:03 पे कर देता हूं, ओके करेंगे और एंड, मतलब कि आपका जो मोबाइल अलर्ट दे रहा कब बंद करे। तो मान लीजिए आपका 10:03 पे शुरू किया है तो 11:03 पे एक घंटा, मान लीजिए एक घंटा तक आपको अलर्ट देता रहेगा। तो यहाँ पर सेट करने के बाद ओके करेंगे और यहाँ पर आपका इवेंट जो है सक्सेसफुली यहाँ पर ये सब कुछ फिल हो चुका है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक कर देना है। डन करेंगे तो आपका जो 8 के नीचे एक यहाँ सिंबल बन के आ जाएगा, यहाँ देखिए बिंदु सा यहाँ पे बन के आ गया है, इसका मतलब इसमें आपका इवेंट सेट हो चुका है। तो अब आपका जो है 8 तारीख में आपको ये मोबाइल अपने आप अलर्ट दे देगा कि आपको ये काम इतने बजे करना है, तो इससे आप कोई भी चीज़ नहीं भूलेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी।